और आज सनातन को इतनी भयंकर गालियां देने की हिम्मत हो और आप उनके साथ चुनाव की राजनीति करें, उनके साथ मंच साझा करें। मजबूरी कांग्रेस की, ये देश के लिए चिंता का विषय है। और जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कुछ और दक्षिण के मंत्री हैं मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि जो दक्षिण है वो अलग इकाई है, उत्तर अलग इकाई है, दक्षिण भारत और उत्तर भारत, और बीजेपी जो है वो दक्षिण भारत में सेंध नहीं कर सकती। राहुल गांधी ने तो संसद में भी कहा था कि आप अगर पूर्व से देखें, बंगाल से देखें, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल तक जाएं, पूरे उस एरिया में बीजेपी सेंध नहीं कर पाएगी। दो अलग इकाई है क्या दक्षिण भारत और उत्तर भारत? पहली बात है, भारत बहुरत्ना वसुंधरा है, भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, यहाँ रेगिस्तान भी है, यहाँ समुद्री तट भी हैं, यहाँ हिमालय भी हैं, और यहाँ सह्याद्री भी हैं, यहाँ गंगा के पट भी हैं और कावेरी के पट भी हैं। तो भारत को टुकड़ों में देखना ये भारत के प्रति नासमझी का परिणाम है। अगर यही भाव होता, अगर आप हिंदुस्तान में देखें प्रभु राम के नाम से जुड़े हुए गांव कितने सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, तो तमिलनाडु में है। इतने सारे गांव के नाम हैं कि उसमें राम तो होगा ही होगा। अब इसको आप कैसे अलग कह सकते हैं, किसको गले उतारेंगे आप? लेकिन भारत की विविधता है, पंजाबी जैसा होगा वैसा नागालैंड का व्यक्ति नहीं होगा, गुजराती जैसा होगा वैसा कश्मीर का व्यक्ति नहीं होगा। तो विविधता ही तो हमारी शक्ति है, हमने विविधता को सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें गुलदस्ता ऐसा है भारत का जिसमें हर एक का अपना फूल दिखाई दे, ये भाव होना चाहिए। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी और खासकर मोदी जी इस विविधता को अप्रिशिएट नहीं करते, एक रंग में ढालना चाहते हैं, और अगर 400 सीट जो आप कह रहे हैं अगर वो आ जाता है तो संविधान रद्द हो जाएगा, एक ही भाषा, एक ही रहन सहन, एक ही तरीका होगा, और वो है जो मोदी जी कहेंगे। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जो व्यक्ति यूएन में जाकर के पहली बार दुनिया की सबसे पुरातन भाषा तमिल भाषा का गुणगान करता हो, किस आधार पर उस व्यक्ति को आप ऐसे आरोप लगा रहे हो? मेरा तो मत है, और मैं जब कपड़े अलग अलग राज्य के पहनता हूँ तो उनको भी परेशानी हो रही है। मुसीबत उनकी है कि वो एक सांचे में देश को ढालना चाहते हैं। हम तो विविधता की पूजा करते हैं, हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं। और मैं हमको कह, हर एक को कहता हूँ, जैसे हमने कहा कि भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मातृभाषा में क्यों नहीं बन सकता है? जब मैं मातृभाषा में डॉक्टर इंजीनियर बनने की बात करता हूँ, मतलब कि मैं मातृभाषा को सेलिब्रेट कर रहा हूँ, उसका महात्मा बढ़ा रहा हूँ। मुझे ये अभी ये गेमिंग वाले सब बच्चों के साथ बैठा था तो उनमें से किसी ने पूछा हमारे लिए कोई संदेश, तो ऐसे मैंने कहा एक काम करो, अब जब भी आप हस्ताक्षर कहीं करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, अपनी मातृभाषा में सिग्नेचर करो, इतना तो गर्व करो। अब मैं तो विविधता को लाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब उनको आरोप लगाने हैं क्या करेंगे? कुछ मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि उन्हें सेंटर से सहयोग नहीं मिलता, दक्षिण के भी कुछ मुख्यमंत्री हैं, आप भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब प्रधानमंत्री हैं पिछले 10 साल में, क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर आपके विचार बदल गए हैं जब आप मुख्यमंत्री थे और जब अभी आप प्रधानमंत्री हैं? दरअसल, और क्या उन्हें नहीं मिलता सहयोग? दुर्भाग्य हुआ है कि जो रीजनल एस्पिरेशंस होते हैं उसको सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए।